का ग्लास प्रिज्म वाला कंसेप्ट हम बेटी डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए बेटी स्टार्ट करते हैं। तूने इस बेटे रिफ्रैक्शन टू द ग्लास प्रिज्म बेटा, रिफ्रैक्शन बेटा, सॉर्ट ऑफ अनरेस्ट इज देयर इन द ग्लास, प्लीज अवॉइड इट बेटा। अब बिल्कुल बिल्कुल वही है बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। पहले ह्यूमन आई का बेटे बहुत सारा पार्ट जो है हमारे सिलेबस में हुआ करता था, बड़े ज्यादा उसके साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी थे। और प्रेजेंटली अब वो बेटे सारे का सारा जो सीबीएसई में है वो डिलीट कर दिया है बेटे, और वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। वी विल बी राइट बिगनिंग विद द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ग्लास प्रिज्म बेटा। ग्लास प्रिज्म बेटे आपका जो है ये ग्लास स्लैब के कंपैरेटिवली नंबर ऑफ फेसेस में डिफरेंट है। ग्लास स्लैब में आप 6 फेसेस के बारे में जनरली बात किया करते हो। आपके ग्लास स्लैब को अगर आप व्यू करो तो करीब करीब जैसे आपकी बुक है ऐसा ही होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 उसके फेसेस होते हैं। इस केस में 6 फेसेस नहीं है। यहाँ पे ग्लास आपका जो प्रिज्म है डियर चिल्ड्रन, इट इज समथिंग लाइक दिस बेटा। आपको ये बिल्कुल फ्रंट व्यू दिखाया गया है, ये एक फ्रंट व्यू है, इसका फ्रंट फेस है, इसके बिल्कुल अपोजिट बैक फेस भी होगा, दो हो गए, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला और पांचवा बॉटम वाला, पांच इसके फेसेस जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म के, ये हम नोटिस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, विजिबल टू यू। जब भी आप इंसिडेंट वाइट रे ऑफ लाइट या सनलाइट आप कह लो इस पे इंसिडेंट करते हो बेटा, तो ये इमेजिन कर लीजिए आपने इंसिडेंट रे यूज किया है, सनलाइट सनरे या व्हाइट लाइट भी आप कह सकते हो, ये आपका सनलाइट का एक रे है आपने यूज किया। ये जो मीडियम है आपका बेटा एयर है, और आपका स्लैब बिकॉज आप ग्लास का बनाए हुए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ग्लास का आ जाएगा। आपका रे जो है बेसिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है ना बेटा, तो रेयर टू डेंसर जा रहा होगा। जिस पॉइंट पे आपका रे इस ग्लास प्रिज्म के साथ आकर स्ट्राइक कर रहा है, इस पॉइंट को बेटे आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह देते हैं। किसी बच्चे के पास अगर डी है तो देंगे आप 1 मिनट, डी अगर किसी के पास है तो 1 मिनट के लिए दीजिएगा, डी डी। सो डियर चिल्ड्रन देखिएगा जरा, ये लाइन आपने पहले ही बना लिया था, जिस पॉइंट पर ये प्रिज्म के साथ आकर से ट्राई कर रहा है वो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया। बी को हमने ऐसे प्लेस कर दिया इस तरीके से, आपका जो लाइन है बेस वाला डी का इसको हमने प्रिज्म के अलोंग रख दिया। 90 डिग्री का मार्क देख लीजिए कहाँ पे है, आपने 90 डिग्री के मार्क के बिल्कुल ठीक सामने एक पॉइंट लगा लिया, राइट। इसके बाद ये डी को आप हटा लीजिए। तो आप इसको पॉइंट को और अपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को बेटा ज्वाइन कर लो। ये डियर चिल्ड्रन आपका नॉर्मल बन गया बेटा, ये इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रखा है आप इसको बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोल दिया करते हो।
अब आपका रे रेरर मीडियम मतलब एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, रेरर टू द डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वेरी राइट यू आर। तो ये नॉर्मल की तरफ जब बेंड करेगा तो ये कुछ इस तरीके से अपना पाथ बेटा जो है बदल लेगा, चेंज कर लेगा। इस फेस पे फिर से ध्यान से देखिएगा, आपका अगेन बाउंड्री आ गया है एयर और ग्लास के बीच में, आपका ये वाला पॉइंट अगेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा फॉर द रे टू गो आउट ऑफ दिस ग्लास प्रिज्म, जाएगा ना। आप इस पॉइंट पे फिर से बिल्कुल वैसे नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे बेटा जैसे हम अभी कर रहे थे, तो मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूं। ये डियर चिल्ड्रन आपका नॉर्मल बन गया दूसरे फेस के लिए, आप इसको एन डैश कह सकते हो अगर आप इसको एन कह रहे हो तो। अब बच्चों देखो आपका रे ग्लास से एयर में जा रहा है, डेंसर टू द रेयर मीडियम जा रहा है, इट शुड बेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब ये बेंड करेगा तो ये ऐसे चला जाएगा बेटे, ये रे आपका इस तरीके से अपना पाथ फॉलो करके आगे चला जाएगा। ये मैंने एक मोनोक्रोमेटिक रे की बात की है, मैं सनलाइट काट देता हूं, मैं ये कह देता हूं सिंपली ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट। अगर आप सनलाइट लोगे तो उसके सेवन कलर्स बन जाएंगे, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये समझा लूंगा। एक बात याद रखिएगा हमेशा, जब आप ये प्रिज्म बनाए हैं आप इसका कुछ नाम ए बी सी रख लो, ये वाला जो एंगल है इसको आप बोल देते हो एंगल ऑफ प्रिज्म बेटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। और याद रखिएगा एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 60 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री का होता है। आपके जो ग्लास प्रिज्म लेबोरेटरी में अवेलेबल है बच्चों के लिए, बच्चों के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए लेबोरेटरी में जितने भी ग्लास प्रिज्म अवेलेबल है इनमें आपके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री का होना चाहिए। ये वाला ए डियर चिल्ड्रन एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आपका जो नॉर्मल ग्लास प्रिज्म है इसमें सारे एंगल 60-60 के होते हैं, अनलेस और अंटिल आप कोई स्पेशल पर्पस प्रिज्म की बात नहीं करते। जब आप बड़े हो जाएंगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तब आप कोई डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं, अभी आपके लिए इतना ही है कि एंगल ऑफ प्रिज्म 60 होता है, राइट। अब और ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका इंसिडेंट रे है और ये रे आपके ग्लास प्रिज्म से बाहर आ रहा है, इसको आप इमर्जेंट रे कह देते हैं, इमर्जेंट रे। ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस ई कहलाता है, ये एंगल आपका आर वन आप कह सकते हो, इसको आर टू कह सकते हो, इनकी प्रेजेंट की जरूरत अभी हमें नहीं है। और इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द ग्लास प्रिज्म, इमर्जेंट रे आउटसाइड द ग्लास प्रिज्म। एक चीज और याद रखिएगा हमेशा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा के बराबर होता है। बट देखिएगा एंगल डेल्टा आपको अभी नहीं पता कितना है कौन सा है, एंगल ए आपका जो है इट इज 60 डिग्री, ये तो आपका कंफर्म है। अब आइए एक मिनट, एंगल डेल्टा के बारे में थोड़ा समझे क्या है बच्चों। अगर आपका ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के पार में, अगर आपका ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ने ऐसे चले जाना था विदाउट एनी डिविएशन,
अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो इससे सीधे जाना था। अब ग्लास प्रिज्म है तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से अपना पाथ चेंज कर रहा है, ठीक है जी। इंसिडेंट रे ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंसिडेंट रे ने कितने एंगल पर अपना पाथ चेंज कर लिया, बदल दिया, अपने पाथ से डिविएट हो गई। इस एंगल को आप एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा कह देते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपका इंसिडेंट रे अपने इनिशियल पाथ से कितने एंगल पर डिविएट हो गया, पाथ चेंज कर गया, अपना रास्ता बदल गया, इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ये लेटर है, एट ऊपर से खुला एक साइड से, इसको डेल्टा कहते हैं। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब क्या है। बच्चों, सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया बेटे? हाँ जी, रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी। R1, R2 आपका बेटे, इसके लिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इस फेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लेकिन अभी हमने टर्मिनोलॉजी यूज की है कि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये आपका एंगल ऑफ डिविएशन है, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। इनके बारे में हमने बात की है प्रेजेंटली। R1, R2 की हमें अभी जरूरत नहीं है कोई भी, जब होगी आई विल लेट यू नो। ठीक बच्चों, इस इक्वेशन को याद रखिए, इन दोनों का सम, इस एंगल का और इस एंगल का, अगर 100 डिग्री है, एंगल डिग्रीज नहीं होते हैं, इन दोनों का सम लगभग 100 चाहिए। 3-4 डिग्री तक वेरिएशन आप लोगों को अलाउड है। अगर ज्यादा वेरी करेगा तो फिर आपको टीचर कह देते हैं कि नहीं जी गलत है, इसको दोबारा करिए। तो 1-2 डिग्रीज का कई बार मेजरमेंट करने में फर्क हो जाता है, कई बार लाइन ड्रॉ करते टाइम आपका पेंसिल शार्प नहीं होता, 1-1/2 डिग्री का वहां पे भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर ये दोनों का सम इन दोनों के सम से 3 या 4 डिग्री से ज्यादा हो, फिर आपको रिपीट करने को कहा जाता है। इतना डिफरेंस बच्चों को अलाउड है बेटा, ठीक है जी। अब आइए आगे चलें। ये तो आप बात कर रहे थे कि आपका पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म कैसा होगा, और अब बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है और इसका कॉज क्या है। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आइए जरा समझें इसके बारे में। हेडिंग आप लिख सकते हो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। बेटे आइए देखें, समझें, सोचें। डिस्पर्शन ऑफ लाइट बच्चों, जो सन से रेज ऑफ लाइट आ रही है, ये लाइट सिंगल वेवलेंथ का लाइट नहीं है। आपको वेवलेंथ भी नहीं पता होगा बिकॉज आपने 9th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा। आप लोगों को फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता होगा, आपने 9th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा। बड़े टाइम अगर मिलेगा तो आपको बाद में करवाऊंगा। तो प्रेजेंटली हमें ऐसे काम चलाना पड़ेगा, आपको जितना चाहिए वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इमेजिन करिए ये आपका ग्लास प्रिज्म, आपने इसका नाम रखा ABC, रख दें। और बच्चों ये आपका सनलाइट, पहले हमने एक सिंपल रे ऑफ लाइट बोला था, ये सनलाइट है, वाइट लाइट है ये आपका, वो ये वाला वाइट लाइट नहीं जो सन से आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। और ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स से बना होता है, वी विल सी कि कैसे बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। जिस पॉइंट पे ये प्रिज्म पे फॉल किया है, इसी पॉइंट से इसका स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है, एक कुछ ऐसे,
और यहाँ पे आपने स्क्रीन लगा रखा है, स्क्रीन आप एक कार्डबोर्ड को भी कह सकते हो जिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का पैटर्न ऑब्टेन कर रहे हो। ऑन द अदर साइड आपका जो स्क्रीन है इस पे बेटे जो कलर्स आपको मिल रहे हैं, आइए इनके साथ जान पहचान करें। These are the different colors. आप लोग जानते ही हो B I B G Y O R, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड अलग अलग कलर्स हैं। और इसमें इतना हिस्सा जो है आपका आपका ह्यूमन आई सिर्फ इतने हिस्से को देख सकता है, इसको विजिबल रीजन कह देते हैं, विजिबल रीजन या स्पेक्ट्रम भी कह लो ये आप कह देते हो। और रेड कलर से ऊपर वाला पार्ट अगर ऊपर चले जाए ये आपका कहलाता है इंफ्रा रेड, इंफ्रा रेड रीजन। वायलेट कलर से नीचे वाला हिस्सा अल्ट्रा वायलेट कहलाता है। हमारा ह्यूमन आई ना तो अल्ट्रा वायलेट रीजन को देख सकता है इतना सेंसिटिव नहीं है, ना इंफ्रा रेड रीजन को देख सकता है इतना सेंसिटिव नहीं है। सिर्फ हमारी दुनिया इसी पैटर्न ऑफ द कलर्स और रीजन ऑफ द विजिबल रीजन तक ही कंफाइंड है, हम इससे आगे और पीछे नहीं देख पाते हैं, हमारी ह्यूमन आई की लिमिटेशन है। अब पॉइंट ये है कि ये व्हाइट लाइट इन कलर्स में स्प्लिट क्यों कर गई, इसको ऐसा क्या मिल गया कि इसके 7 पीसेस हो गए, इसको क्या हुआ कि इसके 7 कलर्स बन गए, आइए जरा समझने की कोशिश करें। एक बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है, कॉचीज इक्वेशन दैट इज नेम्ड एज कॉचीज इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंगली बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास प्रिज्म इट इज इक्वल टू बेटा ए प्लस बी बाई लैम्डा का स्क्वायर। लैम्डा वेवलेंथ को कहते हैं, वेवलेंथ आपने पढ़ी नहीं है, पढ़ाएंगे अभी का बाद में कभी आपको। वेवलेंथ होता है कि आपकी जो वेव है उसका क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ कितना डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। प्लस सी अपॉन लैम्डा फोर प्लस सो ऑन, इसमें ए बी सी ये कॉचीज कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, मतलब ये कॉन्स्टेंट हैं, दे हैव नथिंग टू चेंज और अफेक्ट द रिजल्ट एज सच, कॉन्स्टेंट्स ही हैं ये। इसका मीनिंग ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू जो है ये लैम्डा की स्क्वायर और इसकी हायर पावर्स पर डिपेंडेंट है इनवर्सली, याद रखिएगा। आपका जो वायलेट कलर है बच्चों इधर, इसकी वेवलेंथ जो है 420 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर के मीटर बनाने जानते हैं, बताइए कैसे बनाऊं। -9, बहुत बढ़िया, ये 420 नैनोमीटर होती है वायलेट कलर की, याद रख लीजिएगा। रेड कलर की वेवलेंथ लैम्डा 780 नैनोमीटर, इट विल बी 780 -9 मीटर, करीब करीब इतनी है। अच्छा एक बात बताइएगा, जब आप वायलेट से रेड कलर की तरफ जा रहे हो वेवलेंथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, आधे बच्चे कह रहे हैं कम हो रहा है, आधे कह रहे हैं बढ़ रहा है। यस वो छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं कि वायलेट से आप रेड की तरफ जा रहे हो, वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हो, आपका वेवलेंथ कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है, आधे कम कह रहे हैं आधे ज्यादा कह रहे हैं, बैठिए।
ऑल ऑफ यू प्लीज प्लीज बी क्वाइट बेटा प्लीज। बच्चों आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस नेगेटिव पावर को देखकर। नेगेटिव पावर का मतलब है पॉइंट के बाद 9 जीरोस, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। ये फैक्टर नेगेटिव नहीं है। जब आप वायलेट से रेड कलर की तरफ जा रहे हो आपका वेवलेंथ बढ़ ही रहा है, कम थोड़ी हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और अब ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, अगर आप वायलेट कलर की बात करोगे, वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम विजिबल रीजन में, उस कलर के लिए आपके इस मटेरियल ऑफ द ग्लास प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हो गया। वेवलेंथ कम है ना इसका वायलेट कलर का, तो म्यू ज्यादा नहीं हो गया, इनवर्स डिपेंडेंस है। अगर म्यू ज्यादा है इसका मतलब है कि वायलेट कलर को सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन सफर करनी पड़ेगी। वायलेट कलर इसीलिए ज्यादा डिविएट कर रहा है, ज्यादा रिफ्रैक्शन सफर करने का मतलब है इसको ज्यादा अपने पाथ से डिविएट करना होगा। आइए आपको शो भी कर देता हूं। अगर आपका ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ने ऐसे चले जाना था, लेकिन गया नहीं। ये रेड कलर आपका देखिए इतने एंगल पर डिविएट किया, डेल्टा रेड आ गया ये। और बच्चों ये देखो वायलेट कलर आपका जो है ये इतने एंगल पे डिविएट किया, डेल्टा वायलेट। डेल्टा वायलेट डेल्टा रेड से बड़ा लग रहा है कि नहीं? वायलेट कलर ज्यादा डिविएट क्यों कर रहा है? क्योंकि वायलेट कलर को ज्यादा रिफ्रैक्शन सफर करनी पड़ रही है, राइट? रेड कलर वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा है, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म मटीरियल कम हो जाएगा, ये कम रिफ्रैक्शन सफर करेगा और इसीलिए कम डिविएट भी करेगा। सो क्योंकि आपके व्हाइट लाइट के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इनके लिए आपके मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही अलग अलग हो गया। आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन सफर कर रहे हैं, इसीलिए आपका जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाता है। सो आपके डिस्पर्शन का कॉज बेटा रिफ्रैक्शन ही है, अनइक्वल रिफ्रैक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉची इक्वेशन वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सफर्ड बाय द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट बाय डिफरेंट अमाउंट्स। बेटा थोड़ा सा और आपको इस कंसेप्ट के साथ रिलेट करना चाहूंगा मैं। बच्चों आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा लास्ट वाला चैप्टर, उसमें एनर्जी ई एच इंटू न्यू के बराबर होता है। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, नोट कर लीजिएगा, आपने पढ़ा नहीं हुआ इसलिए मैं कह रहा हूं। एच आपका जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 6.625 10^-34 जूल सेकेंड, याद रह जाए अच्छी बात, नई वाली बात मैं नहीं करता। ठीक है बेटा, 6.625 10^-34 जूल सेकेंड, लास्ट स्टूडेंट आपका ध्यान नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज न्यू फ्रीक्वेंसी। हाँ जी क्या कर दें? ये लो बेटा ऐसे सी डाला उल्टा, एक और डाला और ऐसे ज्वाइन कर दिए। ठीक है ध्यान दो बच्चे जरा बेटे, फ्रीक्वेंसी आपका वेव और वेवलेंथ के साथ रिलेटेड टर्म है, इसको न्यू से डिनोट करते हैं, इट इज एन ई यू, ऐसे इसको लिखते नहीं बोलते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ना था पढ़ नहीं पाए। आपका फ्रीक्वेंसी न्यू जो है ये बच्चों सी
स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ के बराबर होता है, इसीलिए लिख रहा हूँ, नोट कर ले आप। आप इस फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कर दें, आपका एनर्जी आ जाएगा डियर चिल्ड्रन एच इंटू सी बाई लैम्डा आ गया। एच कांस्टेंट है, सी भी तो कांस्टेंट ही है, इसका मतलब हुआ एनर्जी आपके वेवलेंथ पर इनवर्सली डिपेंड कर गया। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 पॉइंट, तो कांस्टेंट ही है वो, इसीलिए कांस्टेंट है ना बेटा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एनर्जी किसी भी गिनती मिनती में बढ़े रहना, आपका काम बहुत खराब है, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। 12-13 हुए हैं, बड़े दुख की बात है, मुझे बार बार कहना पड़ता है, दो ही पीरियड होते हैं पूरे वीक में, उसमें भी हम अगर टाइम ही देखते रह जाएंगे तो फिर देखते ही रह जाएंगे। प्लीज एक दूसरे को मत कहिए, अगर मन नहीं है तो मुझे बता दो, आप पानी पिला देते हैं, आपको भेज देते हैं, ठीक है? कई बार माइंड नहीं होता पढ़ने का, आपको बाहर 1 मिनट के लिए भेज सकते हैं। सो प्लीज अदरवाइज ट्राई टू पे योर फुल अटेंशन, ठीक है? एनर्जी वेवलेंथ पे बेटे इनवर्सली डिपेंडेंट है, वेवलेंथ ऑफ द वेव पर। बच्चों यहां पे अब आ जाइए डायग्राम में, वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम, इसका मतलब है वायलेट कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इनवर्स डिपेंडेंस है। वायलेट कलर की लाइट सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगी, ज्यादा एनर्जी पोजेस करेगी। रेड कलर की लाइट वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम हो जाएगी बेटा। इसका मीनिंग बेटे ये हुआ, देखिए यहां तक हम अपना विजिबल रीजन में ही कंफाइंड हैं। अगर आप वायलेट कलर से नीचे वाले पैटर्न को देखो, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आप पहुंच जाए मान लीजिए, तो वेवलेंथ और भी कम हो जाएगी। ओजोन लेयर हमारा एटमोस्फियर में जो है वो इन रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता है, अर्थ पे नहीं आने देता। अगर गलती से आ जाए, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, जिस जगह पर भी पड़ेंगी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करेंगी। अगर हमारी ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स की स्किन पे फॉल करती है, स्किन बर्न्स हो सकते हैं, ज्यादा अगर एक्सपोज करेंगे स्किन को, स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो ये डेडली इफेक्ट्स हैं, इनको देखिए, बाय नेचर आपको प्रोटेक्ट किया गया है, सबको प्रोटेक्ट किया गया है। और बेटा अगर बात करें रेड कलर से ऊपर वाले पार्ट की, इंफ्रा रेड वाले पार्ट की, आप लोग नोटिस करते हैं कई बार हमारे मसल्स फुल हो जाते हैं, खेलते टाइम आप गिर गए, या कई बार मसल इंजरी हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि वो गर्म पानी की बोतल अपने साथ रखो, या एक वो बैग सा आता है गर्म पानी डाल के उसको बंद करके अपने उस बॉडी पार्ट मसल के साथ हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मिनट बेटे बैठ जाइए, वो आपको वार्म्थ देता है। तो वहां पे जो वार्म्थ है वो ज्यादा इतनी एनर्जेटिक नहीं है, लेकिन आपको वो पर्टिकुलर केस में बेटे रिलीफ देने के लिए काफी है। जितनी भी आपकी हॉट बॉडीज हैं, दे आर ऑल द सोर्सेज ऑफ इंफ्रा रेड रेडिएशन, इंफ्रा रेड वेव्स। ध्यान दीजिएगा, 3 रीजन की बात कर रहा हूं। अल्ट्रा वायलेट डेंजरस है, खतरनाक है, बचना है, ये रीजन हमारा है, देख सकते हैं इसमें। इससे ऊपर वाला इंफ्रा रेड रीजन, ये हमारा हमारे काम आता है, हम इसको मसल्स की ट्रीटमेंट वगैरह के लिए यूज किया करते हैं। तो ये कॉची इक्वेशन, ये डिस्पर्शन, कॉज ऑफ डिस्पर्शन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सफर्ड बाय द डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स ऑफ योर वाइट लाइट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉची इक्वेशन बेटा। सो थैंक यू ऑल, बाकी काम कल करते हैं बेटा।